गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर काले राय और ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं हम सबको। और मैं चाहता हूँ कि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी दुनिया को रीच करे। सो काले राय जी, आप स्टार्ट करिए, पहला क्या दिखाना चाहते हैं? सर, जो मैं प्लास्टिक जो पेपर से इन प्लास्टिक पेपर से मैं एक छोटा सा रोल करूँगा सर। हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, फार्मेसी कॉलेज जाते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते सर। तो ये स्टूडेंट के सामने एक क्राफ्ट के बारे में एक्टिविटी देते सर जी, ऐसे बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ओरिगामी जापानी आर्ट सर। देखो सर, फर्स्ट पेपर से हमने ये रोल किया है, दूसरा पेपर आप लेंगे इन साइड अंदर से लगाना सर, बाहर से नहीं अंदर से। ओके, बहुत अच्छा। उसके बाद दो पेपर लगाया, जितना मर्जी आप पेपर लगा सकते सर। इसको बोलते प्लास्टिक पेपर, गिफ्ट पेपर, ये बाजार मार्केट से लेके आ सकते सर। तो माने कि इसमें मैंने रोल किया है, उसके बाद रोल करने के बाद कंप्लीट एक रोल हो गया, उसके बाद कैची लेंगे सीजर, उन कैची से दो साइड से काटना है, एक और दो, दोनों कटे वाले हिस्से को दोनों पेपर को बैठाएंगे, बीच में मिडल वाला पाइप होता है इससे काट देंगे। काटने के बाद इंग्लिश का अक्षर कैपिटल टी अक्षर होते सर, उसके बाद एक पेपर को हल्का सा फर्स्ट पेपर पकड़ेंगे, आस्ते आस्ते उठाना है। देखिए ये आपके सामने क्रिसमस ट्री बन जाएगा। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप सबको पता है क्रिसमस कितना फेमस है वर्ल्ड में, और आप अपने घर पे अपनी क्रिएटिविटी से एक बहुत अच्छा क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। देखिए, शायद आप सब लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। वेरी नाइस मिस्टर राय जी, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं। देखिए सर, ये दूसरा और भी डिजाइन है, उसके बाद ये ड्राइंग शीट पेपर है। मैंने इसमें कुछ ड्राइंग नहीं किया है, ना मैंने इसमें ड्राइंग नहीं किया है। ये दोनों पेपर को हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद कैंची से दो साइड से काटना है, एक और दो, फिर केचू को ऐसे घुमा के इंग्लिश में हाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सर, यहाँ से काट देंगे। इसके उड़ने वाले पंख बनाएंगे, उड़ने वाले पंख बनाने के बाद तो चलने वाले इसके एक पूछ बनाएंगे, यहां से काट देंगे, उसके बाद चलने वाले इसके पैर बनाएंगे, फिर यहां से बॉडी साइड से काटेंगे, तो ये बन जाएगा आपके सामने कबूतर, यानी इंग्लिश में बोलते पिजन। बर्ड्स क्या हो जाएगा, एक कबूतर, एक से खोलेंगे तो सर दो बन जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया जी। तो देखिए, वी हैव ए नाइस फैमिली ऑफ टू पिजन्स, और हर बच्चा इतना क्रिएटिव है और ये करना चाहता है। बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं, यू नो, आप कि जो स्किल है, आपका जो पैशन है, आपकी जो एंटरटेनमेंट है, आप इसको एक्सप्लोर करिए। और हमारे कंट्री में, यू नो, एक से एक क्रिएटिव पर्सन है, बट उनकी क्रिएटिविटी इतनी एक्सप्लोर नहीं की जाती, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो एटेक एकेडमी के बिहाफ पे हम चाहते हैं कि काले राय जी वर्ल्ड फेमस हुई, और हम सब इनकी रिस्पेक्ट करें। अभी हम नेक्स्ट आइटम दिखाना चाहते हैं। दूसरा सर डिजाइन, मेरे पास सर 25 डिजाइन होते हैं, तो फिलहाल हम लोग 25 आइटम हम सिखा नहीं सकते, अगर प्रिंसिपल टीचर बोलते हैं तो हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा और भी हम लोग डिजाइन बनाते हैं। वैसे स्कूल अभी 1.5 साल से स्कूल बंद है, और हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए, घर से हम लोग निकले हुए 1.5 साल से, और हम लोग सभी स्कूलों में जाते थे पहले, अभी स्कूल बंद नहीं, बंद है, अभी स्कूल चालू हुआ है,
उनकी पहले हम स्कूल में जाते थे, प्रोग्राम करते थे स्कूलों में, बच्चों को सामने बताते थे, उसके बाद हम लोग किताब विताब भेजते थे। अभी हम लोग किताब भेजते नहीं, अभी हम लोग कोचिंग सेंटरों में, कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, जितने सारे जो सेंटर होते हैं वहाँ जाके हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं आर्ट के बारे में। इसे बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ओरिगामी जापानी आर्ट्स एक्टिविटी। उसके बाद पेपर से हमने ये तीन पेपर हमने ज्वाइन किया है और उसके बाद तीन पेपर को रोल किया मैंने हाथ से, ऐसे हाथों से रोल करना है। जब रोल करने के बाद ये कंप्लीट रोल हो गया, उसके बाद कैंची ले गए, उन कैंची से दो साइड से नहीं काटना है, एक बार काटना है, हाफ कट आधा से ज़्यादा काटना है, ये बड़ा साइज ये छोटा साइज। जब बड़े साइड से आपको काटने का मौका मिलेगा तो यहाँ से कैंची को ऐसे घुमाना है, घुमा के तो ये कट से कट मिलाएंगे। उसके बाद जो गंदे पेपर होते हैं उनको हल्का सा यहाँ पे फेंक और साइड फेंकना है, या कुछ कचरे के डिब्बे है पेपर उसमें आप लोग फेंक सकते हैं, गंदगी फैला सकते हैं। उसके बाद जो पेपर होते हैं कलर जो पेपर होते हैं इसको अलग अलग कर सकते हैं, पैंट से आप मोड़ ले सकते हैं। उसके बाद ये पेपर को डाउन करना है, हल्का सा एक छोटा सा फर्स्ट पेपर पकड़ के आस्ते आस्ते उठाना है। ओके वेरी नाइस, लेट्स क्लैप। उसके बाद ये उठाने के बाद डाउन करना है बागिस, अगर आपको बनाना डिजाइन तो उसके बाद ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमाएंगे, घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये आपके सामने एक लोटस एक कमल का फूल बनेगा। जैसे दिल्ली में वहाँ पे कमल का एक लोटस कैंपस है, जो लोग तो इंडिया के लोग वर्ल्ड के लोग देखने जाते हैं, तो वहाँ का हम लोग ऐसे डिज़ाइन हम लोग स्कूल में कॉलेजों में सेंटर में हम लोग बताते हैं। देखिए ये अब तैयार किया मैंने लोग कमल का एक फूल तैयार किया, ना चले गए तो उसको फेंकना नहीं, अपने ऑडिटो हॉल में क्लास ऑफिस में जैसे कभी फेस्टिवल आते हैं तो आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं। ओके वेरी नाइस, सो वी हैव ए वेरी वंडरफुल यू नो लोटस, आप अपने लव वंस को एनीवन यू लव यू नो, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर ब्रदर्स सिस्टर और ऑफ कोर्स आप सब समझ गए कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्लैप फॉर मिस्टर काजी प्रभुदेव। स्टूडेंट्स ये अभी तो फिलहाल सर स्टूडेंट ही है, तो मेरे प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर है, ऑनर है, वो हमको एक मौका दिया है, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे कमल सर भी है, विद्वान सर भी है, जितने सारे टीचर बैठे हैं, दो चार टीचर भी बैठे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत बहुत एक धन्यवाद करता हूँ। तो उसको हमने मौका दिया है, कभी सर राजस्थान आएंगे तो सर के लिए वेलकम है। देखिए ये मेरी आर्ट एंड एक्टिविटी है, हमारे पूरे वर्ल्ड जाते हैं, लोग पूरा बाहर भी जाते हैं, इंडिया घूमते हैं, पूरे वर्ल्ड घूमते हैं, ये मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी है। ये हम लोग पूरा वर्ल्ड में हम लोग ये प्रचार करते हैं, ये क्राफ्ट के बारे में वो एक्टिविटी डेमो करते हैं। जैसे ये इनका एक सीखने के लिए प्रैक्टिकल बुक भी होता है, तो फिलहाल अभी हम लोग पास बुक भी नहीं है, बस हम लोग टू स्टार टीचरों से, प्रिंसिपल ऑनर से, डायरेक्टर से हम लोग कुछ एक हेल्प मांगते हैं, क्योंकि हमारे साथ में बाल बच्चे भी हैं। हम लोग मंडी में पढ़े, अनाज मंडी पढ़े, यहाँ पे नहीं, हम लोग अम्बाला मंडी में पढ़े, पूरा हम लोग हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी बिहार पूरा वर्ल्ड हम लोग घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में जाते हैं, जैसे हम लोग सब जगह जाके तो ये पेपर से हम लोग क्राफ्ट के बारे में डेमो करते हैं। देखिए हमने ये काटा है, बीच में आप कैंची से बिल्कुल हल्का सा छोटा सा काट देंगे, फिर ग्रीन कलर पेपर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद एक चाकू को तेरा यहाँ से कैंची से ऐसे कट से कट मिलाएंगे। सर पेन या पेन या पेंसिल से इस पेपर को मोड़ना है, ब्लू कलर इसको बोलते हैं, इसके ब्लू कलर। ओके यू कैन जस्ट थ्रो द पेन, इन पेन से पेपर को मोड़ के या कैंची या चाकू या फिंगर ऐसे दोनों फिंगर से प्रेस करेंगे, नहीं तो कैंची से पेपर को उसे दबा देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे
उसके बाद एक पेपर को, फर्स्ट पेपर को खींचना है। फर्स्ट पेपर उठाएगी तो हल्का सा आस्ते आस्ते फर्स्ट डिजाइन तैयार करिए। ओके, वेरी नाइस, वंडरफुल। फर्स्ट डिजाइन है, इसे बोलते अंगूर का एक पेड़। ओके, बहुत बढ़िया। और सेकंड डिजाइन डाउन करेंगे, उल्टा से टन घुमाएगी तो दिन साइड और से, जैसे बोलते दिल्ली का कुतुब मीनार, ये एक फ्लावर बनेगी, गुलाब का फूल। ये तो इसको ब्लू कलर का बना मैंने, मैं आपके सामने पिंक कलर का बना के दिखाऊंगा। ये पेपर को डाउन करना है, फ्लावर क्या बनाएगा। Wow, what a wonderful flower. Let's clap for the flower. I think aap sabko pasand aaya rahega. Thank you very much, Mr. Kale ji. Jaise maine baggy color ka banaya hai, main aur bhi kuch dusra design ka banaunga, ye pink color ka jo maine banaya hai, ye same to same isko bana ke aise aap log bana sakte hain। जैसे दिवाली है, जैसे गणपति पूजा है, कभी सरस्वती पूजा है, नवरात्रि पूजा है, कभी फेस्टिवल जो आते हैं, उन फेस्टिवल में आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं, घर को भी सजा सकते हैं। या आप लोग कॉलेज में जाते हैं, उसके अपने कॉलेज के स्टाफ के ऑफिस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, डायरेक्टर के ऑफिस में, या अपने कभी फेस्टिवल बर्थडे होता है, क्रिसमस डे, बहुत से फेस्टिवल आते हैं, साथ में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उन त्यौहार में आप लोग बना के डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मेरी एक आर्ट का एक्टिविटी होता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का हम लोग सब जगह पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, ये हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट भी देखते हैं, टीचर भी देखते हैं, स्टाफ लोग भी देखते हैं, डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैडम, राइटर मैडम, जो भी ऑनर भी है सर, की मैनेजमेंट भी है सर, स्कूल के, कॉलेज के, जो भी डिपार्टमेंट के, तो हम उसको बता के ये हम लोग एक प्रचार करते हैं आर्ट के बारे में। गंदे पेपर को हटा देंगे, बीच में जो पिंक कलर पेपर्स होते हैं उसको भी हटाना है। सारे पेपर को ऐसे अलग अलग करना है, चेंज करना है। ये पेन से पेपर को मोड़ेंगे, फिर ऐसे कैंची को ऐसे दबा देंगे, दबाने के बाद एक पिंक कलर पेपर्स होते हैं, उन पिंक कलर पेपर को यहाँ से, पिंक कलर को गोलाई से यहाँ से काट देंगे। अगर पेपर लूज भी हो जाते हैं, टाइट भी हो जाते, उसको थोड़ा लूज भी कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम रख सकते हैं आप पेपर, पेपर को हल्का सा आस्ते आस्ते ऐसे उठाएंगे सेम टू सेम। वेरी नाइस। उसके बाद डॉन करना है, फिर ऐसे घुमाएंगे, घुमा के उल्टा से घुमाना है, ये गुलाब का फूल बन जाएगा, फ्लावर, रोज फ्लावर बनेगी। ऊपर वाले वेस्ट कलर पेपर को टॉप कर लगा देंगे, पीछे बैठाएगा, आस्ते आस्ते फ्लावर बन जाएगा। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, दिस फ्लावर इज डेडिकेटेड टू ऑल माय क्लासमेट्स, आई थिंक माय स्कूलमेट्स, माय क्लासमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन यूएस, इन सिंगापुर, इन मुंबई, ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक फ्रॉम चंडीगढ़ टू साउथ, फ्रॉम तूतीकोरिन इन चेन्नई, ऑल are welcome and gifted with this flower. Thank you. उसके बाद जब 26 जनवरी आती है तो आप लोग 26 जनवरी में क्या करते हैं, बाजार मार्केट जाते हैं, तो आप लोग बन बनाए आइटम खरीद के लेके आते हैं, मतलब आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये पेपर लाना है, कलर पेपर, इसे बोलते हैं काइट पेपर, रंगीन पेपर, पतंग पेपर, गुडी पेपर, काइट, जो भी एनीथिंग, जो भी पेपर, कोई भी पेपर आप बोल सकते हैं, या अपने घर में वेस्ट पेपर भी होते हैं, उन वेस्ट से पेपर कैसे यूज करना है। जैसे ये पेपर मैंने फर्स्ट रोल किया है, सेकंड कलर पेपर इनसाइड जो है अंदर से लगाना है, और सर ये दो पेपर मैंने लगाए, टू कलर्स पेपर ज्वाइन किया, पिंक और व्हाइट कलर।
उसके बाद थर्ड पेपर्स ग्रीन कलर, फर्स्ट एंड सेकंड था। थर्ड पेपर आपको लगाना है इनसाइड, तो मैंने हमने तीन पेपर हमने लगाए। जैसे मैंने प्लास्टिक का ट्री बनाया, ये पेपर का बनेगी क्रिसमस ट्री। जैसे ट्री बन जाए, ये देखो कैची से यहाँ से काटना है, इसे हिंदी में बोलते हैं कैची, इंग्लिश में सीजर बोलते हैं। बीच में मिडिल वाला पाइप होता है, काट देंगे, जिसे बोलते हैं सारे जहाँ से चाहे हिंदुस्तान हमारा। ये अपने हिंदुस्तान में बहुत फेवरेट ट्री है, किटिंग जैसे ये पेपर से इंग्लिश का अक्सर कैपिटल टी बोलते हैं, जैसे टी माने क्रिसमस ट्री। ये भारत का झंडा बन जाएगा, राष्ट्रीय झंडा। जय हिंद। ओके, वेरी नाइस, लेट्स सैल्यूट फॉर आवर नेशनल फ्लैग। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग वी आर हैविंग। कॉलेज बहुत बहुत बढ़िया, और आप और कुछ दिखाना चाहते हैं कि आज के लिए बस हम बस करें? अच्छा, एक और वो दिखाना चाहते हैं, जापानी फैन बना दो आपको। ओके, जापानी, जापानी फैन। ओके, जैसे पंखा चलते हैं हिंदी में पंखा बोलते हैं, इसमें जापानी फैन बोलते हैं। अभी हम जापान का जो फैन है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, आपने देखा होगा टूरिज्म में या हर जगह। आप अगर आप चाहते हैं कि जापान जाना चाहते हैं तो जापान का जो फैन है विच इज़ वेरी पॉपुलर, वो जो एक सिंबल है आपको बताते हैं, उसके बाद देखिए तो आपको पसंद आएगा। तो देखिए हमने ये कंप्लीट रोल किया है, रोल सेम होता है, काटने का अलग अलग डिफरेंट होता है। जैसे ये पेपर आपको रोल करने, जितना मर्जी आप डिजाइन बना सकते हैं, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना मर्जी आप रोल कर सकते हैं, जितना रोल करेंगे उतनी डिजाइन अच्छा सा सुंदर दिखेगा। लेकिन देखो बीच में बीच वाला पाइप होता है, बिग साइज है, स्ट्रेट काट देंगे। काटने के बाद जब ये ओपन कर देंगे पेपर को, हल्का सा पेपर को, फर्स्ट पेपर को ऐसे आस्ते आस्ते ऊपर करना है, दिस इज कम्प्लीट जापानी फाइन बनेगा। Okay, very nice. So this is a symbol of Japan. All the Japanese people, they will respect, and of course in India, what creativity a person can do. हमने basically यहाँ पे Mr. Kale जी जो है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका परिवार में wife और मेरे दो बच्चे, दो बच्चे हैं, मामा माँ बाप भी है, और हमारे सब लोग, हमारे भाभी भी है, भाई भी है, फैमिली सब हमारे साथ में है सब। ओके, बहुत बढ़िया। मंडी में पड़े और ये जो अनाज मंडी है अंबाला की, वहाँ पे कैंप्स में रहते हैं, और अपना कोरोना ने जो इनको ये कहते हैं कि जो कोरोना है उसकी वजह से कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो जाते थे वहाँ से अर्न करते थे, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्कूल्स विच आर शट। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे परिवार की कैसे अपने फैमिली को ही रनिंग द एक्सपेंसेस। सो ATEC एकेडमी, वॉट एवर बेस्ट वी कैन पॉसिबल विल डू द फेवर फॉर हिम, एंड वी हैव अटैच विद हिम फॉर द लाइफ टाइम। सो वी हैव टोल्ड हिम, यू नो, एनी टाइम, एनी डिफिकल्टीज, एनी थिंग वॉट ही कैन, ही नीड्स फ्रॉम अस, विल ट्राई टू सपोर्ट हिम। And of course, we have spectators because of our academy, which is the social media papers, and you know the social media, the reach is worldwide. Or Mr. Kale ji, कौन कौन सी country में जा चुके हैं? Sir, Bangladesh भी गए थे, Burma भी गए थे, बाकी सब जगह घूम के आए सब। हमारे चाचा लोग भी है, भाई लोग भी है, बड़े बड़े अंकल भी जो जाते हैं, विदेश जाते हैं, बड़े बड़े कंट्री घूम के आते हैं। ये माइनक्राफ्ट का है, हम लोग पूरा ऑल वर्ल्ड हम लोग प्रोग्राम करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में, मेडिकल कॉलेज, जो भी है डिपार्टमेंट, जितने सेंटर में, ये हम लोग आर्ट क्रिएटिव। ओके, वेरी नाइस। शायद आप सब लोग को किताब किताब भेजते थे पहले, किताब ही नहीं, कुछ भी नहीं। अभी फिलहाल जब से लॉकडाउन ने, जब से ये आप लोगों से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, मैडम से, ये हम लोग पुरस्कार डोनेशन मांगते हैं। इन डोनेशन से हमारे फैमिली का गुजारा चलते हैं बस।
अभी जब हम लोग किताब नहीं है फिलहाल, तो हम लोग किताब होते तो हम लोग भेजते थे, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्टर से ऑनर से हम मांग के बस ये हमारी आती थी कि हम लोग मांग के खा लेते, पर हम लोग कुछ चोरी आटा नहीं कर सकते। बस ये क्राफ्ट का एक्टिविटी सब जगह जाते हैं, तो हम लोग सब स्टूडेंट से टीचर से हम लोग एक पुरस्कार एक डोनेशन मांगते, फिर हम लोग घर जाते हैं, रोटी पानी बाल बच्चों को गुजारा करते हैं। मंडी में पड़े हम लोग फैमिली लेके आए, पर माँ बाप भी साथ में लिए, फैमिली लिए, माँ बाप हमारे फैमिली अभी घर पे दिल्ली में भी है, कुछ हमारे और भी लोग हैं जो राजस्थान में भी गुजरात में भी है, और कुछ अभी हम लोग फिलहाल घर से जो निकले 1.5 साल से हम लोग इंडिया पूरा, हम लोग राजस्थान हरियाणा पंजाब यूपी बिहार हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। हम लोग मंडी में पढ़े, कोई होटल रूम में पढ़े, कोई वहाँ पे पढ़े, बस ये हमारे क्राफ्ट है जो दिखाते हैं, इनसे हमारे पेट पालन में बच्चों का गुजारा करते हैं, माँ बाप की फैमिली का गुजारा करते हैं, जो आप लोग हमारी हेल्प आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। ओके वैसे काले बहुत अच्छा लगे, और सबसे बड़ी बात है कोई चोरी नहीं कर रहे, चुकारी नहीं कर रहे, और अपनी क्रिएटिविटी से अपनी फैमिली, यू नो ए वाइफ एंड टू किड्स, और हम सबको पता है कि एक बच्चा पालना कितना खर्चा होता है, और हमारी सब नीड्स आज हम जो देखते हैं अपने सराउंडिंग में कि मोबाइल फ़ोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, तो आप देख सकते हैं मिस्टर काले जी को कि ये एक सिंपल लाइफ दे जस्ट वांट टू लीव, यू नो, एंड ये प्राउडली हमारे कंट्री का फ्लैग बना रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो एक क्रिएटिव माइंड बने, यू नो, और क्रिएटिव जो आपको पता है एजुकेशन इज ऑफ कोर्स द बुक एज वेल एज द क्रिएटिविटी, इसलिए हमें इंटरेस्ट हुआ, और हम चाहते हैं कि आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कालेज, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आवर साइड। वेलकम।